नमस्कार मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि डायबिटीज़ के रोगियों को दूध दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा है मित्रों, बात समझिए, डायबिटीज़ क्यों हुआ? क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। ख़राब क्यों हुआ? कोई भी बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। एक दिन गलत था, एक सप्ताह गलत था, एक महीना गलत था, ऐसा नहीं। बीमारी कोई घटना नहीं होता कि हम दो दिन गलत भोजन खाए तो बीमारी हो गया। भगवान इतना तुनकी और नाजुक शरीर नहीं बनाया है। लेकिन बीमारी एक घटना नहीं होता, बीमारी एक प्रक्रिया होता। आप सालों साल गलत भोजन खाए और नहीं टहले तो बीमारी हुआ। आज जो गलत भोजन कीजिएगा उसका सजा तुरंत नहीं मिलेगा, उसका सजा प्रोसेस में चलता जाएगा और आपको मिलेगा। तो अब आपने कहा कि दूध खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा है मित्रों, आपको टोटल भोजन जितना खर्चा है उतना ही कैलोरी लेना चाहिए, ये आइडियल बात है। तो एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे उसका खर्चा 1400 कैलोरी, और अगर हम एक घंटा भाषण देंगे तो हमारा करीब करीब 300 कैलोरी खर्च हो, ये एक घंटा भाषण देने में 50 कैलोरी खर्च होगा। एक घंटा चलिएगा तो 300 कैलोरी खर्च होगा। एक किलोमीटर पैदल चलना, एक घंटा में कोई भी आदमी 5 किलोमीटर चलेगा, और एक किलोमीटर चलने में और एक घंटा भाषण देने में 50 कैलोरी ही खर्च होता है। और 50 कैलोरी किसको कहते? आप एक रोटी खाइएगा उसमें 70 कैलोरी मिलेगा। तो अगर आप एक कप चाय पीते हैं उसमें कम से कम जो है 60 ml अगर रहता है चाय, तो उसमें 40 कैलोरी के आसपास है। अगर चीनी नहीं डालते हैं तो, और चीनी ऊपर से भी डाल दिए, तब तो उसका कैलोरी बढ़ के हो जाएगा कम से कम 100 कैलोरी। आप लिए खर्च नहीं किया, और 100 कैलोरी का मतलब हुआ, एक कैलोरी मतलब 22 कदम, 100 कैलोरी का मतलब हुआ 2200 कदम, 2200 कदम आप खाए और नहीं चले। तो फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाई। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा, मोटापा करो, तेजाब बनाएगा, एलर्जी करो, तो जहाँ तहाँ छिड़केगा, इन्फेक्शन करो। तो दूध का हिसाब किताब ये है कि 24 घंटे में दूध मतलब 2 कप चाय, एक कप सवेरे एक कप शाम, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले दूध का बना हुआ 2 कप चाय इंसान को पीना चाहिए। समझिए तो 200 ml दूध का चाय या कॉफ़ी बना के आप रोज़ पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा, दूध को फाड़ के छेना खाने का लोगों को आदत पकड़ लिया, ये भी गलत है, ये नहीं लेना चाहिए। दूध को पनीर बना के, पालक पनीर या मटर पनीर, वो भी पनीर प्लेन पनीर का सब्जी नहीं, या तो पालक पनीर या तो मटर पनीर सप्ताह में एक दिन वो खा सकते हैं आप। अलग से कच्चा पनीर छेना नहीं खाना चाहिए, उसको प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। लोग आपको बताएंगे उसमें प्रोटीन है, लेकिन याद रखिएगा वो बिना फाइबर वाला प्रोटीन है, वो फैट के साथ प्रोटीन है, और फैट में पर ग्राम फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, इस बात को याद रखिएगा। वो खतरनाक प्रोटीन आप ले रहे हैं, और जो आप दाल वाला प्रोटीन लीजिएगा उसमें फाइबर के साथ प्रोटीन आएगा, वो सबसे यूजफुल प्रोटीन होगा। तो इसीलिए प्रोटीन के रूप में दूध को फाड़ के छेना खा अगर कोई खिला रहा है आपको, तो इस आदत से बचिएगा। तो जो है कि दूध 24 घंटे में 2 कप चाय के रूप में लीजिए। उसके अलावा भी चाय चाहिए तो ग्रीन टी, और ग्रीन टी कितनी मर्जी पीते जाइए, पानी गर्म कीजिए, ग्रीन टी डाल के पीते जाइए, और कोशिश कीजिए कि उसके अलावा अलग से दूध हॉर्लिक्स बॉर्नविटा कॉम्प्लान बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि हम आपको कितनों बोलेंगे, आप 24 घंटा में 2 घंटा ज़्यादा नहीं चल सकते, और 2 घंटा तो तब आपको चलना चाहिए जब आप दाल हरा सब्जी साग खीरा ककड़ी टमाटर, जब आप 24 घंटे में केवल 2 रोटी खाइएगा और दाल अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, तभी भी आपको 2 घंटा चलना होगा। लेकिन अगर आप एक रोटी और खा लीजिए एक्स्ट्रा, तो समझिए आपको 1500 कदम और जोड़ना होगा, उतना कहाँ से चल पाइएगा। इसलिए बेहतर है, और अगर नहीं चलिएगा और खाते जाइएगा तो और कुछ नहीं होगा, उम्र घट जाएगा। भगवान जो शरीर बनाया है 100 साल तक इसको बिल्कुल बीमारी नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते क्या होगा, जैसे ही 50, 55, 60 में पहुँचिएगा तो बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, 10 मुसीबतों से घिर जाइएगा। तो ये आपको अलग मुसीबत होने लगेगा। तो यदि आपको डायबिटीज़ है तो केवल डायबिटीज ही थोड़ी होगा, जांच करिएगा कम से कम 10 गड़बड़ी दिखेगा। तो ये सारा गड़बड़ी तब ठीक हो जाएगा जब आप भोजन सुधारिएगा। और भोजन में जो है कि जहाँ तक आपने दूध के बारे में, दही के बारे में क्या है कि 5 चम्मच दही हर व्यक्ति को रोज़ खाना चाहिए। दूध और दही में अंतर क्या है? दूध में जो चीनी है उसको बोलते हैं लैक्टोज, ये जो चीनी है लैक्टोज, ये दही में क्या होता, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये लैक्टोज खा के बैक्टीरिया बढ़ जाता है। समझिए दूध को सड़ा दिए, बैक्टीरिया खा गया उसको, चीनी को खा के वो प्रोटीन में, और बैक्टीरिया का शरीर 75% प्रोटीन होता है। यानी आप जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को आप हाई प्रोटीन डाइट में कन्वर्ट कर दिए दही बना के। तो दही अच्छा चीज़ है, दही हर व्यक्ति को 5 चम्मच रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लाभदायक, पेट के लिए लाभदायक बैक्टीरिया होता है। लेकिन 5 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और चीनी के साथ मिला हुआ दही नहीं खाना चाहिए, बिना चीनी वाला दही खाना चाहिए। 5 चम्मच दही रोज़ खाइए, उससे ज़्यादा खाने का ज़रूरत नहीं है, और 2 घंटा रोज़ टहलिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर हम रोटी चावल बिल्कुल छोड़ देंगे, हमको दूध खाना है,
तो हम उसके लिए हम बोलेंगे दाल हरा सब्जी साग खीरा करके टमाटर खा लो। तो वैसे केस में अगर चाय पसंद है तो चाय के रूप में तुम चाहो तो आधा किलो दूध तक रोज़ पी सकते हो, लेकिन वैसे केस में रोटी चावल ही छोड़ना होगा क्योंकि वो उधर से भी कैलोरी मिल जाएगा, इधर से भी कैलोरी मिल जाएगा, तो वो नुकसान करेगा। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से, और दूध में भी अलग अलग वेराइटी है, फुल क्रीम दूध और जो है कि जो आप देखते हैं गाय का दूध, तो वैसा दूध जिसमें कि क्रीम ज़्यादा हो तो उसमें फैट ज़्यादा होगा तो कैलोरी बढ़ जाएगा उसमें, तो वैसे केस में वो सब अवॉइड कीजिए। और जो है कि आप जो गाय का दूध जनरली मार्केट में मिलता है वो आप दूध पी सकते हैं, और जो है कि भैंस का दूध अगर आप पीते हैं तो भैंस के दूध में फिर अगेन फैट बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो आप बच्चे को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बड़े आदमी को, जो आदमी उतना शारीरिक श्रम करता है वो भैंस का दूध भी पी सकता है, तो लेकिन लिमिट में पीना चाहिए, 24 घंटे में 200 ml बहुत हो गया, उसको दूध बना के पीजिए। चाहे अलग से हॉर्लिक्स कम्प्लान बोर्नवीटा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना मतलब का कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ेगा और इसके चलते डायबिटीज नियंत्रण आपका ख़राब होगा। और याद रखिए सबसे बड़ा छुपा रुस्तम होता है रोटी, तो रोटी चावल कम कर दीजिए। हम जो बोले कि आपसे पूछे कि दूध कितना पीना चाहिए, तो इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक नहीं होगा। जो आदमी बिल्कुल रोटी चावल छोड़ देगा उसके लिए तो हम बोलेंगे तुम आधा किलो दूध पी लो, आधा किलो दूध का दही बना के खा जाओ। लेकिन जो आदमी रोटी चावल भी खा रहा है तो उसको अगर दो रोटी, एक दिन सवेरे एक रात, दोपहर में दो मुट्ठी चावल, तो वो वैसे व्यक्ति के लिए हम आपको बताएं कि एक दिन में 200 ml दूध काफ़ी हो गया, उससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और दो घंटा रोज़ डालना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।